जबलपुर के लिए राहत भरी खबर, कोरोना पीड़ित मरीज हुआ स्वस्थ, अस्पताल से हुई मरीज की छुट्टी। जबलपुर वासियों के लिए शनिवार का दिन राहत बनकर सामने आया है। देश प्रदेश और जबलपुर जिले में फैली वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित मरीज पलक अग्रवाल को शनिवार को मेडिकल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आपको बता दें, पलक के माता पिता को मेडिकल से पहले ही डिस्चार्ज किया जा चुका है। पलक के पिता मुकेश अग्रवाल और माता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कुछ दिनों पहले पलक के माता पिता और पलक का टेस्ट किया गया था, लेकिन पलक का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन उनके माता पिता का टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आया था, जिसके बाद पलक के माता पिता को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन पलक को अस्पताल में भर्ती रखा गया था। वहीं पुनः हुए टेस्ट में पलक की रिपोर्ट निगेटिव पाई गई, जिसके बाद उसे भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। पलक को मिलाकर जबलपुर में अब तक 5 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अब इलाजरत कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4 है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पलक अग्रवाल ने चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ को धन्यवाद दिया और उनके कार्य और सेवा की सराहना की। यहाँ का मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, जो भी स्टाफ है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जबलपुर एक छोटा सा शहर है, पर फिर भी हमारे यहाँ इतनी अच्छी मेडिकेशंस थी कि मुझे शॉक था। लेकिन अब शॉक कि यहाँ पे इतनी अच्छी मेडिकेशंस है, सब फैसिलिटीज है, हर रूम में वेंटिलेटर है, O2 है, तो बहुत ही अच्छे से इलाज हुआ। मेरे पापा का भी बहुत अच्छे से इलाज हुआ, मुझे तो इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। तो मतलब बहुत अच्छे से सबने केयर किया। जो पहले की नर्स है वो भी मुझे 4-4 बार कॉल करके, मोनिका नर्स है, पूछती रहती है, तो बहुत ही अच्छा स्टाफ है। हाँ, इन सबको सबसे ज्यादा थैंक यू, इन्होंने बहुत अच्छे से केयर की मेरी और सभी लोगों की, अभी भी जो पेशेंट्स हैं। और बाकी जबलपुर को भी बहुत ज्यादा थैंक यू, अखिल मिश्रा है जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के हेड है, उन्होंने हम लोगों को इतना सपोर्ट किया। लायंस क्लब के प्रभात अंकल है, उन्होंने रोज हमारे साथ पूजा की, और हमारे मौसा जी मौसी, उन्होंने हमारा पूरा सामान डेली भिजवाया, तो उन सबको सबसे ज्यादा थैंक यू। और बाकी पूरे जबलपुर शहर को भी बहुत ज्यादा थैंक यू, और डॉक्टर्स तो भगवान ही है यहाँ पे। आप ये आपके अपने पिताजी को हुआ, अपनी माँ को हुआ, तो उनसे आपने साथ में रह के कैसे फाइट किया, तो वो थोड़ा सा जैसे उनको आप वो ठीक होके चले गए, है ना, उसके बाद फिर आपको थोड़ा आपको टाइम लगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बताइए। जी, मुझे मतलब एक्चुअली तो असमंजस हुआ पहले कि मेरा पॉजिटिव कैसे आ गया फिर से, पर शायद तक मतलब हमें इतनी लाइक स्ट्रांग दवाइयां भी नहीं दी गई होंगी, क्योंकि हम लोगों की इम्यूनिटी ही लड़ सकती है, तो उसकी वजह से था। और बाकी इतने कॉल्स आ रहे थे मुझे, इतना मतलब वो उत्साहित कर रहे थे, कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि आपको तो सही होना ही है, तो अंदर से भी इच्छा था कि सही तो होना ही है। और बाकी सपोर्ट तो पता ही था कि सब करेंगे, तो डर बिल्कुल नहीं लगा मुझे, पूरा डेफिनेटली लगा पर डर बिल्कुल नहीं लगा। मैं जनरली भी कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, तो डर नहीं लगा था, मुझे पता था सही तो होना है, जब इनका स्टाफ है और डॉक्टर इतने अच्छे हैं। जी बिल्कुल। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770229999।